सो वेरी वेलकम ऑन द बिहाफ ऑफ रेजोनेंस एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो। सो आज का सेशन हमारा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज जो 26 नवंबर है उसकी जो न्यूज है द हिंदू पर जो रिलेटेड न्यूज रहेंगी उनको हम डिस्कस करने वाले हैं और कौन से एग्जाम के लिए कौन कौन सी यहाँ पर न्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके तो जल्दी से आ जाइए, सेशन को काफी इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। जो न्यूज यहाँ पर होगी उस पर जो छोटे छोटे फैक्ट्स होंगे, जो भी बेसिक डिटेल्स होंगी यहाँ पर, उसको हम क्या करने वाले हैं प्रॉपर वे में यहाँ समझने वाले हैं कि क्या टर्म्स हैं जो दूसरे से आपस में रिलेटेड है या फिर कोई भी ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कब एस्टेब्लिश हुई और कब और कौन वहां पर उसके जो मेन इंपॉर्टेंट पद है उन पर बैठे हुए हैं। ओके तो सारी ही न्यूज को हम डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो आईआर से रिलेटेड हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हो या फिर इंडिविजुअली किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो। ओवरऑल जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगे, जो भी नई बुक्स जो लॉन्च हुई हैं, उन सभी को हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज के साथ। क्या है हमारे पास जो फर्स्ट न्यूज है यहाँ पर, गवर्नमेंट फॉर्म्स पैनल टू लुक इनटू मनरेगा एफिशिएंसी। तो यहाँ पर क्या है, एक मनरेगा जो स्कीम थी, मनरेगा स्कीम क्या थी कि जो मनरेगा स्कीम है जिसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग थे गांव के, उनको क्या दिया जाता था, उनको रोजगार दिया जाता था, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था 100 डेज के लिए। तो उसी के लिए एक प्रोग्राम अरेंज किया गया था जिसको हम कहते हैं मनरेगा का। तो एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में ये अपीयर हो सकता है कि मनरेगा जो स्कीम थी वो कब लॉन्च की गई। तो कब लॉन्च की गई, आपके पास ओनली 30 सेकंड का टाइम है, एक बार जल्दी से बताइए कि मनरेगा स्कीम कब लॉन्च की गई थी। तो बेसिकली अगर हम देखें यहां से कि जो मनरेगा स्कीम है ये आपके 2005 में लॉन्च की गई थी। ओके 2005 में लॉन्च की गई थी, कब की गई थी, 25 अगस्त 2005 को इसको लॉन्च किया गया था। अब इसमें थोड़ा सा जो जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो अपनी अपनी स्कीम्स के बारे में कोई ना कोई आउटपुट देती है। तो अगेन ये था, ये प्रीवियसली किसी दूसरी गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया था और अभी प्रेजेंट में अगेंस्ट पार्टी यहां पर है, तो वो आपस में कुछ इसमें इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और हमारे पास न्यूज है वो किससे रिलेटेड है, वो है यहाँ पर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस, सीबीआई फाइल चार्जशीट। तो इसमें जो बेसिकली क्वेश्चन पुटअप हो सकता है वो दिल्ली से रिलेटेड या फिर सीबीआई से रिलेटेड हो सकता है। ओके तो दिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं आपके पास, कि दिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन ये हो सकता है कि वहां पर सीएम कौन है या फिर डेप्टी सीएम कौन है या गवर्नर कौन है। तो सीएम की बात करें अपन तो अरविंद केजरीवाल जो है आम आदमी पार्टी से रिलेटेड है और वो दिल्ली के सीएम है। ओके और डेप्टी सीएम कौन है, जो मनीष सिसोदिया है वो वहां पर डेप्यूटी सीएम है। और अगर हम यहां से गवर्नर की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये होगा क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है एग्जाम्स में उसमें गवर्नर ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अभी प्रेजेंट में दिल्ली के गवर्नर कौन है, प्रेजेंट में दिल्ली के गवर्नर है विनय सक्सेना। कौन है, विनय सक्सेना। ओके यहां से देखें हम अगेन एक और हमारे पास न्यूज है किससे रिलेटेड है वो, अगर हम यहां से बात करें एक और हमारे पास यहाँ पर जो न्यूज है वो किससे रिलेटेड है, वो एलबीजीटी जो होते हैं उनसे रिलेटेड है कि जो दो कैंडिडेट है अगर वो सेम मेल से हैं तो क्या वो आपस में मैरिज कर सकते क्या, उसी पर बेस्ड एक स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट 6 गवर्नमेंट व्यू ऑन अलाउिंग सेम सेक्स मैरिज। ओके तो यहाँ पर एक नॉर्मल सा एक डिस्कशन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसके बारे में, कि जो सेम मेल से रिलेटेड कैंडिडेट है वो क्या आपस में शादी कर सकते हैं क्या। ओके इसमें जो पिटीशर है वो कौन कौन है, पिटीशर जो इस केस के बारे में थे, इस केस से रिलेटेड जो पिटीशर्स हैं वो है सुप्रिया चक्रवर्ती एंड अभय दांग। दोनों का ही फोटो यहां पर अवेलेबल है, जो सुप्रिया चक्रवर्ती है और अभय दांग दोनों ही क्या है, पिटीशन है इसमें। नेक्स्ट अगर हम देखें अगेन हमारे पास एक न्यूज हमारे पास किससे रिलेटेड है, अगेन यूपी के कुछ जो डिस्ट्रिक्ट थे वो यहां पर अवेलेबल है कि वहां पर क्या स्टार्ट होने वाला है, कमिश्नर सिस्टम है वो वहां पर स्टार्ट होने वाला है। तो आगरा, गाजियाबाद एंड प्रयागराज ये 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर क्या सिस्टम लागू होने वाला है, जो कमिश्नरेट सिस्टम है वो वहां पर जनरेट होने वाला है। ओके अगेन हमारे पास एक और न्यूज की बात करें हम तो वो यहां से देखेंगे कि क्या यहां से हमारे पास न्यूज है। अगेन एक वुमेन इन 3 TN डिस्ट्रिक्ट सेव 888 रुपीज पर मंथ ऑन बस ट्रेवल। बेसिकली क्या है कि एक स्टेट है, कौन सा स्टेट है, तमिलनाडु। ओके तो तमिलनाडु जो है वो अपने 3 डिस्ट्रिक्ट है, 3 डिस्ट्रिक्ट में क्या करने जा रहा है, वो महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विसेज प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। ओके तो जो 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अपियर हो सकता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो नागापट्टिनम, मदुरई एंड त्रिपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर क्या होगा, जहां पर फ्री बस सर्विसेज फॉर वुमेन ये वहां पर लागू होने जा रही है। ओके अगेन यहां से एक क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है, यहां से तमिलनाडु
से रिलेटेड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यानी कि अगर हम तमिलनाडु से रिलेटेड सीएम की बात करें, गवर्नर की बात करें, और वहां पर और भी कई सारे पद हैं जिन पे कोई ना कोई है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है। अगेन हम बात करें, एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे पास आज, जिसपे हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, वो है रशिया ऑफर्स एडवांस फ्यूल ऑप्शन फॉर कंडाकुलम प्लांट। तो बेसिकली क्या है, ये एक पावर प्लांट है, कौन सा, कंडाकुलम प्लांट। कंडाकुलम प्लांट जो है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और ये कब स्टार्ट हुआ था, तो इसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो 2002 में स्टार्ट की गई थी। ओके, 2002 में स्टार्ट की गई थी, और ये प्रेजेंट में इंडिया का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। क्या है, सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया का। तो बेसिकली जब इसका फॉर्मेशन हुआ था, जब ये बना था, तो इसमें जो खर्च आया था, खर्च था लगभग 17,280 करोड़ रुपए का। ओके, तो उसमें से जो रशिया का पार्ट था, यानी कि जो रशिया ने डोनेट किया था, वो अप्रोक्स 6,740 करोड़ रुपए क्या किए थे, यहां पर डोनेट किए थे। तो इसी के अकॉर्डिंगली जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर था इस डैम, इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के अंदर, वो कौन रहा है, स्टार्टिंग से रशिया ही रहा है। तो रशिया इसके लिए एक स्पेशल चीज ला रहा है, वो क्या है, अगर हम यहां से देखें, द न्यू न्यूक्लियर फ्यूल इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग इन मोर एफिशिएंसी एंड अलाउ रिएक्टर्स टू रन फॉर एन एक्सटेंड 2 ईयर साइकिल विदाउट स्टॉपिंग। तो बेसिकली क्या है, यहां पर जो पहले कोई फ्यूल यूज में लिया जाता था रिएक्टर्स के लिए, वो क्या होता था, वो वन एंड हाफ ईयर चलता था, यानी कि 18 महीने ही वो वहां पर प्रॉपर वे में चल पाता था। बट अभी जो रशिया है वो अपना नया फ्यूल जो है किसके थ्रू, वो एक कंपनी है, कौन सी कंपनी है, अगर हम यहां से देखें तो TVL, कौन सी कंपनी है, TVL, जो TVL कंपनी है, ये अपना मोर इफिशियंट जो फ्यूल है रिएक्टर्स के लिए वो इंडिया को देने जा रहा है, जिससे क्या होगा कि जो वर्किंग इफिशियंसी है वो कंटिन्यूअसली 2 ईयर्स के लिए, कितने ईयर के लिए, कंटिन्यूअसली 2 ईयर्स तक के लिए इसको मिल जाएगी। तो बेसिकली जो पावर का जनरेशन है वो कंटिन्यूअसली 2 साल तक यहां पर हो पाएगा, जिससे रिएक्टर प्रॉपर वे में वर्क कर पाए। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी एक तो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, एक ये है कि ये कब बना था, और एक ये हो सकता है कि जो ऑल ओवर प्रोजेक्ट था उसकी कॉस्टिंग क्या थी। तो अगर हाँ से लोकेशन के बारे में हम बात करें, तो बेसिकली जो इसका लोकेशन है वो कहां पर है, तमिलनाडु में इसका लोकेशन है, तमिलनाडु में इसका लोकेशन है, और तमिलनाडु में जो कंडाकुलम प्लांट है ये स्थित है, और इसका जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वो कौन है, रशिया है। अगेन ये न्यूज किसकी तरफ से आई है, ये जो न्यूज है ये आई है रोस्टॉम की तरफ से, किसकी आई तरफ से आई है, रोस्टॉम की तरफ से। अब रोस्टॉम क्या है, जैसे कि इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर को संभालता है, कौन संभालता है, NPCIL, जो वहां का प्रोडक्शन पूरा करता है वो NPCIL है। सेम उसी फॉर्मेट में जैसे अगर हम बात करें रोस्टॉम, तो रोस्टॉम क्या है, रोस्टॉम रशिया की जो न्यूक्लियर एजेंसी है वो है, न्यूक्लियर एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन कौन है, रोस्टॉम है। ओके, तो उसी के प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है कि जो कंपनी है TVEL ये क्या करने जा रही है, अपना जो एडवांस टेक्नोलॉजी फ्यूल है, क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी फ्यूल, यानी कि ATF, वो इसे प्रोवाइड करेगी, जिससे इसका जो वर्किंग टाइम है वो कितना हो जाएगा, 1.5 ईयर से बढ़कर वो 2 ईयर्स तक चला जाएगा। अगेन एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है इसमें, कि जो रोस्टॉम है, रोस्टॉम का हेडक्वार्टर कहां पर है, अगर हम बात करें रोस्टॉम का हेडक्वार्टर का, तो ये मॉस्को में स्थित है, कहां पर होगा, मॉस्को में स्थित है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो TVEJ है, जो TVEL है, TVEL क्या है, तो TVEL है वो एक न्यूक्लियर फ्यूल कंपनी है जो प्रोवाइडर होती है, और सेकेंडली इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो अगर हम बात करें TVEL, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर होने वाला है, वो अगेन मॉस्को के अंदर यहां पर होने वाला है। क्लियर है, मॉस्को के अंदर क्या होने वाला है, TVEL का हेडक्वार्टर होने वाला है। तो बेसिकली ये सारी न्यूज किससे रिलेटेड थी, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड थी, जहां पर क्या होने जा रहा है, जो रशिया है हेल्प कर रहा है इंडिया को, किसमें, एडवांस फ्यूल टेक्नोलॉजी में, जिससे क्या होगा कि जो पहले 1.5 साल चल रहा था प्लांट, वो अब 2 ईयर्स तक यहां पर प्रॉपर वे में रन हो पाएगा। अगेन एक न्यूज और है हमारे पास, अगर यहां से हम बात करें, ये है यहां पर इटालियन मरीनेस, एक केस हुआ था 2012 में, यह केस हुआ था जिसमें जो इंडिया का केरला कोस्ट है वहां पर क्या हुआ कि जो दो नाविक थे, मींस दो जो वहां पर फिशरमैन थे इंडिया के, वो मारे गए थे किसके थ्रू, दो इटालियन नाविक के थ्रू। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उन्होंने उनके मरीन को सीज कर दिया। बट ये सारा मैटर कहां चला गया, जो सारा ये
केस था, यूएन के पास गया। अब यूएन से वहां पर उनको क्लीन चिट मिल गई तो इंडिया को उन्हें छोड़ना पड़ा। ओके, तो अगेन उसके बाद अभी जो किसी ने पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वहां से इनको कुछ एक बेनिफिट्स मिले, जिसमें कहा गया है कि जो भी विक्टिम्स थे उस केस के उनको क्या मिलेंगे, 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। क्लियर है, जो भी विक्टिम्स थे उस केस के उनको 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। और इसके अलावा जो दो नाविक थे, कौन कौन थे जो दो नाविक थे, यहां पर गिवन है हमारे पास, द कोर्ट डिस्ट्रिक्टेड दैट द कैम बोट ओनर फ्रेडी, जो फ्रेडी है उसको क्या मिलेगा, उसको कंपनसेशन दिया जा रहा है, कितना, 2 करोड़ में से जो 1.55 करोड़ रुपीज है वो कंपनसेशन की फॉर्म में मिलेगा बाय इटालियन गवर्नमेंट के। ओके, जो इटालियन गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, इसको जो फ्रेडी है जो ओनर था उस मरीन का, उसको क्या मिलेंगे, 2 करोड़ में से वहां पर 1.55 करोड़ रुपीज दिए जाएंगे। क्लियर है, डन। ओके, तो एक ये रिलेटेड हो सकता है कि जो इटालियन मरीन केस था वो किससे रिलेटेड है, तो बेसिकली ये टू फिशरमैन का जो एक्सीडेंट था उनसे रिलेटेड है, और उसी के जो विक्टिम्स थे 9 विक्टिम्स उनको अभी क्या किया गया है, 5-5 लाख रुपए की उनको कंपनसेशन दिया गया है। उसके अलावा जो ओनर था फ्रेडी उसको क्या किया गया है, इटालियन गवर्नमेंट पैसा देगी, कितना, 2 करोड़ में से 1.55 करोड़ रुपए उसे दिए जाएंगे। अगेन हम बात करें यहां से कुछ और हमारे पास अवेलेबल है, किससे रिलेटेड है ये, यहां पर अगर हम देखें, एक है हमारे पास कि तमिलनाडु मिनिस्टर डिफेंड बिल ऑन ऑनलाइन गैम्बलिंग, यानी कि जो ऑनलाइन से रिलेटेड गैम्बलिंग होते हैं, ऑनलाइन से रिलेटेड जो गेम होते हैं किस पर बेस्ड होते हैं, वो गैम्बलिंग से, यानी कि हम बात करें यहां से जो भी ऑनलाइन बेटिंग होती है उसके जो गेम्स है उसके फेवर में कौन आ रहे हैं, तमिलनाडु के कुछ मिनिस्टर यहां पर आ रहे हैं, बट ये एक तरीके से सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास कुछ और है न्यूज, केरला से रिलेटेड कुछ न्यूज हमारे पास है, केरला मुस्लिम बॉडी केरला मुस्लिम बॉडी सर्कुलर अगेंस्ट एक्सरसाइज फुटबॉल क्रेज किक्स अपर रो इन स्टेट। तो बेसिकली यहां से जो न्यूज सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि वो होगा या तो केरला से रिलेटेड सीएम हो सकते हैं या फिर केरला से रिलेटेड जो गवर्नर है वो हो सकते हैं। तो अगर यहां से बात करें हम सीएम की, तो केरला के सीएम कौन है अभी प्रेजेंट में, जो पी जो विजयन है, जो पी विजयन है, पिनरई विजयन है, वो केरला के क्या है, सीएम है। और अगर हम गवर्नर की बात करें तो प्रेजेंट में जो गवर्नर है कहां के, केरला के, मोहम्मद आरिफ खान, मोहम्मद आरिफ खान जो है क्या है यहां से वो गवर्नर है केरला के। ओके, अगेन हम यहां पर देखें क्या है, एक न्यूज और है, ऑल फॉर अ मील, यानी कि टॉलिंग हार्ड यहां पर क्या हो रहा है, एक न्यूज है, छोटा सा न्यूज है, बस पिक दिया गया, उसके बाद एक छोटा सा स्टेटमेंट नीचे गया है, फार्मर क्लेमिंग द पेडी मैनुअली ऑन द आउटकिक ऑफ हैदराबाद ऑन अ फ्राइडे अबाउट 5 kg to 6 kg पर क्विंटल इज डिडक्ट फ्रॉम द प्रोड्यूस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैश एंड अदर फॉरिजन मटेरियल। तो इस न्यूज का ज्यादा कुछ महत्व है नहीं, बट फिर भी हम इसको एक बार रिलेबरेट करते हैं कि ओवरऑल अभी जो है, जो कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं यहां पर, हमारे पास था कि जो स्टेट है हमारे पास वहां पर अभी धान की क्या चल रही है, हाथ से सफाई चल रही है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास 10 किलो वहां पर प्रोडक्ट हुआ है तो उसमें से 0.5 यानी कि आधा किलो क्या होगा, उसमें से घास फूस जो भी इसको साफ करने के बाद जो रॉ मटेरियल बचता है वो उससे क्या हो रहा है, उससे उसके कॉस्टिंग में कमी आ रही है। ओके, तो इसी के बारे में ये एक न्यूज थी। अगेन हम यहां से आगे देखेंगे, एक न्यूज है हमारे पास कि जो एन अपीलिंग स्ट्रगल इन श्रीलंका एंड ट्री कंट्री, बेसिकली क्या है, वहां पर जो अभी श्रीलंका है, श्रीलंका की जो इकोनॉमिकली जो भी कंडीशन है वो काफी पुअर है, काफी ज्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है इस कंट्री को, काफी सुंदर कंट्री है और काफी टूरिज्म वहां पर आता है, बट अभी जो प्रेजेंट में सिचुएशन से वहां की इकोनॉमिकली वो काफी पुअर है, और इसी से रिलेटेड कुछ यहां पर स्टेटमेंट है कि उसका जो टी वाला मार्केट था श्रीलंका का, उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है बेसिकली। तो ऑल ओवर यहां से क्वेश्चन पुटअप ये हो सकता है कि अभी प्रेजेंट में जो वहां पर माहौल है, या हम बात करें जो महिंद्रा राजपक्षे है वो वहां पर अपनी कमांड बनाए हुए हैं। अगेन हमारे पास नेक्स्ट देखें क्या है, एक और न्यूज हमारे पास है यहाँ पर, वो है अगेन असम बॉर्डर फायरिंग इज अ क्लियर वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से मेघालय। तो यहाँ पर एक मेघालय की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि जो असम की बॉर्डर्स है वहां पर जो भी फायरिंग हुई है और जो भी वहां पर कैंडिडेट मारे गए, तो ये सरासर क्या है, एक तरीके से ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। तो बेसिकली यहां से तीन तरीके के क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है असम से रिलेटेड, एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है मेघालय से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कहां से,
ह्यूमन राइट से रिलेटेड। तो बेसिकली अगर हम फर्स्ट बात करें किससे, जो असम से रिलेटेड, तो असम के अगर हम जो गवर्नर असम के जो सीएम है उनके बारे में बात करें, तो असम के अभी प्रेजेंट में सीएम कौन है बताइए जल्दी, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए कौन है असम के सीएम। जो कोनराड सांगमा है, सांगमा है वो क्या है, असम के सीएम है। अगेन हम बात करें कि ह्यूमन राइट से रिलेटेड, तो ह्यूमन राइट क्या है, ह्यूमन राइट बेसिकली एक इंडिया की ऐसी संस्था है जो मानवों के अधिकार की रक्षा करता है। बेसिकली जो भी पिटिशन होते हैं उनके बारे में ये पूरा केस को स्टडी करते हैं, और आफ्टर देन वहां पर कोई ना कोई ये अपनी तरफ से किसी लॉयर या किसी अधिकारी के थ्रू अपनी पैरवी करवाते हैं। ओके, तो बेसिकली जो ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट यहां पर अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है कि जो असम में, असम बॉर्डर पे जो भी वायोलेशन हुआ है उस वो किसके, उसके बारे में कौन जिम्मेदार है। ओके, तो यहां से जो ह्यूमन राइट से, ह्यूमन राइट के बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि ह्यूमन राइट के अभी प्रेजेंट में जो भी चीफ है वो कौन है, कौन है। अगर बेसिकली हम देखें यहां से, तो जो अरुण कुमार मिश्रा है वो NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वहां के अध्यक्ष है। तो जो अरुण कुमार मिश्रा है कौन होंगे, NHRC के अध्यक्ष होंगे। अगेन हम देखें कुछ और क्वेश्चन हमारे पास है, अगेन हमारे पास एक न्यूज है वो किससे रिलेटेड है, एक है हमारे पास यहां पर कि सुप्रीम कोर्ट डिसमिस NIA अपील अगेंस्ट टैलेंट बेल इन भीमा कोरेंग में केस। तो बेसिकली यहां से एक क्वेश्चन किसके बारे में बन सकता है, NIA से रिलेटेड बन सकता है। तो NIA क्या है, NIA जो है वो एक एजेंसी है जिसकी इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो NIA के बारे में बात करें हम, तो इसके अभी प्रेजेंट में चीफ कौन है, तो अगर यहां से बात करें तो DG कौन है, दिनकर गुप्ता, ये IPS है, डीजी लेवल के IPS अधिकारी हैं दिनकर गुप्ता, जो क्या है NIA के अध्यक्ष हैं। अगेन हम बात करें अध्यक्ष की जगह हम इसको डायरेक्टर जनरल बोलेंगे। ओके, तो NIA के जो DG हैं वो कौन है, दिनकर गुप्ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां से RBI के बारे में बात करते हैं, एक न्यूज है हमारे पास, कैन RBI हेल्प दोज हु जनरली फेल टू एक्सचेंज नॉट सुप्रीम कोर्ट, यानी कि यहां पर एक RBI का स्टेटमेंट है जिसमें क्या कहा गया है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ फ्राइडे आस्क वेदर RBI कंसिडर रिमेंडरी केस ऑफ सिटीजन हु वन फाउंड जनरली अनेबल टू डिपॉजिट देयर ऑल नोट्स ड्यूरिंग डिमोनेशन। तो बेसिकली क्या था, एक केस है यहां पर कि जो लोग, जो आदमी डिमोनेशन के थ्रू अपने पुराने नोट्स को जमा नहीं कर पाए थे, तो उनका अब क्या करना है। तो बेसिकली यहां से न्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो बॉडी है यानी कि जो RBI है, RBI मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन जनरेट कर सकता है। तो यहां पर एक तो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, बन सकता है कि RBI का गठन कब हुआ, RBI के चीफ कौन है। अगर हम यहां से एक और क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि RBI जो है, RBI की कितनी सब्सिडियरी है। ओके, एक क्वेश्चन इस तरीके से जनरेट हो सकता है कि जो RBI का वर्क है वो क्या है। तो अगर हम यहां से बात करें वर्क की, तो बेसिकली जो RBI है ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है जितने भी बैंक्स हैं प्राइवेट सेक्टर के या नेशनलाइज्ड सेक्टर के, जितने भी बैंक्स हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ओके, अगेन हम यहां से बात करें किसकी, इसके फॉर्मेशन की, तो ये कब बना था, तो जो RBI बना है, RBI कब बना है बताइए जल्दी से, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए मुझे, RBI का फॉर्मेशन कब हुआ। जो RBI है हमारा वो बना था कब, 1 अप्रैल 1935 को, 1935 में बना था अप्रैल में। और अभी प्रेजेंट में इसके हेड कौन है, अगर यहां से हम बात करें RBI की, तो जो शशिकांत दास है वो प्रेजेंट में क्या है, यहां के हेड है। अगेन हम बात करें आगे, कुछ और न्यूज हमारे पास है, एक और न्यूज हमारे पास है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर ही अपियर होने वाला है, वो है क्या, लचित लाइफ इज अ लेसन दैट नेशन इज सुप्रीम नॉट डायनेस्टी सेपीएम। तो बेसिकली एक स्टेटमेंट है, अब ये स्टेटमेंट किसका है, ये पीएम सर का है। अब जब ये स्टेटमेंट पीएम सर का है, तो ऑल ऑफ यू नो दैट इंपॉर्टेंट इज कि ये जो स्टेटमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये स्टेटमेंट किसके बारे में दिया गया है, ये स्टेटमेंट दिया गया है लचित के बारे में। अब लचित कौन है, इसकी एक मैं छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहूंगा कि लचित जो है, लचित बुरकन कौन थे, लचित बुरफुकन जो लचित बुरफुकन है, बेसिकली क्या थे ये, जो 16वीं से 17वीं शताब्दी थी वहां पर इनका असम में जन्म हुआ, और वहां के ये क्या थे, योद्धा थे।
तो बेसिकली ये अपना जो इंडिया वॉर था उसमें इन्होंने काफी अच्छा रोल प्ले किया था और मुगलों से लड़ते हुए ये हार। इसमें क्या है कि जो लचित फुरकन है इनकी एक स्टोरी है, काफी अच्छे वीर योद्धा थे ये, कहां के ये योद्धा थे, असम के। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि ये नाम इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि एक तो कि असम में इनके नाम पे एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो क्या होता है, लचित दिवस। क्या होता है वो, लचित दिवस। अगर हम यहां से देखें तो उसको हिंदी में कहते हैं लचित दिवस और इंग्लिश में बोले तो लचित डे। ये एक डे असम के अंदर सेलिब्रेट होता है क्योंकि अभी तक इनको क्या था, ओनली असम के अंदर ही जाना जाता था, बट अब ऑल ओवर जो कंट्रीज है वहां पर भी इनके बारे में बात हो रही है। तो जो लचित फुकन थे वो क्या है, वहां के वीर योद्धा थे और इनके नाम पर क्या, इनके नाम पर इनके जो दिन था, इनका जो जन्म दिवस है, उस दिन लचित दिवस मनाया जाता है। और वो लचित दिवस कब आता है, वो आता है 24 नवंबर को। कब आता है, 24 नवंबर को। 24 नवंबर को आता था। और एक और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि जो लचित बुरफुकन है इनके नाम पर एक अवार्ड भी दिया जाता है। अब अवार्ड क्या होता है वो, कि जो एनडीए है यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो एनडीए है वो अपने सबसे बेस्ट परफॉर्मर स्टूडेंट, यानी कि जो एक कोर्स होता है एनडीए का उसमें जो सबसे बेस्ट परफॉर्मर होता है स्टूडेंट उसको क्या दिया जाता है, लचित गोल्ड मेडल। क्या दिया जाता है, लचित गोल्ड मेडल, लचित गोल्ड मेडल। ये किस लिए दिया जाता है, जो एनडीए की जो वहां पर कोर्स होता है जिसमें स्टूडेंट इनरोल होते हैं, जो सबसे अच्छा परफॉर्मर कैंडिडेट होता है वो उसको क्या मिलता है, यहां से लचित गोल्ड मेडल। तो बेसिकली ये नाम काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके नाम पर क्या है, एक दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। अभी प्रेजेंट में एक स्टेच्यू बनाया गया है जिसके बारे में ये पूरा स्टेटमेंट दिया गया है। अगेन जो एनडीए है, जो भारत का सबसे टॉप क्लास एक वो है एग्जाम, एनडीए में जो बेस्ट परफॉर्मर होता है उनको भी क्या दिया जाता है, लचित गोल्ड मेडल यहाँ पर दिया जाता है। तो ऑल ओवर काफी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है और कोई ना कोई एग्जाम में लचित फुलकर, जो लचित बुरफुकन है, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में अपियर होगा ही होगा, चाहे वो इनके टाइम पीरियड का हो कि ये किस कौन सी सेंचुरी के अंदर जन्मे थे। और अभी क्यों याद किया गया इनको, क्योंकि इनका जो 400th बर्थडे था, जन्मदिवस था, जन्मदिवस की जो एनिवर्सरी है वो मनाई जा रही है 400 साल भी। ओके देन, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पुट अप हो सकते थे एग्जाम में वो सारे हमने किए, लचित जो बुरफुकन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। लचित बुरफुकन कहां से रिलेटेड है, वो असम से रिलेटेड है। उन पर उनके जन्मदिवस की कौन सी एनिवर्सरी मनाई जा रही है, 400वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है। इनसे रिलेटेड दिवस कब मनाया जाता है, तो इनसे रिलेटेड असम के अंदर एक दिवस मनाया जाता है जिसे हम लचित दिवस कहते हैं और वो 24 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा एक एनडीए में जो बेस्ट परफॉर्मर होता है उसको भी लचित गोल्ड मेडल यहां पर दिया जाता है। ओके तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो ओनली किसके अंदर है, ये हिस्ट्री की जब भी आप बातें या मींस जितनी भी इनके बारे में सर्च करेंगे लचित बुरफुकन के बारे में तो आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके अगेन एक और हमारे पास यहां से रिलेटेड कुछ, अगेन हम आगे देखें तो आगे कुछ न्यूज हमारे पास है, वो क्या है, एक है हमारे पास एक न्यूज है, न्यू ड्राफ्ट ऑफ डाटा प्रोटेक्शन बिल इज फंडामेंटली फ्लॉड। तो ऑल ओवर यहां पर क्या था, जो डाटा प्रोटेक्शन के बारे में सेकंड बिल लाया जा रहा है जो प्रीवियसली बिल से थोड़ा नया होगा उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले तो हमें जो ओल्ड वाला डाटा प्रोटेक्शन बिल है उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। बेसिकली अगर देखें हम तो जो यहां पर इनके जो जस्टिस है, कौन, जस्टिस बी एन श्री कृष्णा, जो जस्टिस बी एन श्री कृष्णा है इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने ही बताया, इन्होंने ही जो पहला डाटा प्रोटेक्शन बिल था वो लाए थे और अब जो ये उसके अंदर अपग्रेडेशन कर सकते हैं उसके बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है। ओके तो ये किससे रिलेटेड है, ये डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा यहां पर, कि ये जो जज का नेम है, कौन, जो जज का नेम है जस्टिस बी एन श्री कृष्णा, ये क्या कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं इस प्रपोज को। ओके ये क्या कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं इस ड्राफ्ट कमेटी को। अगेन हम देखें एक और न्यूज हमारे पास रिलेटेड है किससे, हाई कोर्ट बार्स अनऑथराइज्ड यूज ऑफ बच्चन वॉइस इमेज। बेसिकली क्या है, यहां पर जो एक
टर्म यूज में की गई है। कौन सी है टर्म? टर्म ये है कि जो पर्सनैलिटी एंड पब्लिसिटी राइट, जो पर्सनैलिटी एंड पब्लिसिटी राइट है उसका हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है कि आप जो अमिताभ बच्चन है या कोई भी पर्टिकुलर कैंडिडेट है उसके फोटो और वॉइस का यूज नहीं कर सकते बिना उसकी परमिशन के। ओके, तो ये एक यहां पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होने वाला है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये होगा कि आपको ये राइट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि जो पर्सनैलिटी एंड पब्लिसिटी राइट्स हैं ये क्या होते हैं और ये किस आर्टिकल के अंदर होंगे। क्लियर? अगेन हमारे पास कुछ और न्यूज है, एक और न्यूज हमारे पास आईआर की फॉर्म में, जैसे कि यहां पर एक जो यूके की एक फर्म है उसने एक डाटा रिलीज किया है जिसमें क्या बताया कि इंडिया इंडियंस रिसीव्ड द बिगेस्ट शेयर ऑफ यूके वर्क वीजा। जो बेसिकली यूके में वर्किंग करने के लिए वीजा चाहिए होता है तो उसमें सबसे ज्यादा जो शेयरिंग है वो किसकी है, इंडिया की। यानी कि मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट यूके के अंदर काम कर रहे हैं उसमें से कितना परसेंट, उसमें से 39%, काफी हुज एक परसेंटेज है, काफी अच्छा अमाउंट है। 39% ऐसे कैंडिडेट है जो इंडियन है, यूके में काम कर रहे हैं। ओके, तो बेसिकली जो वर्किंग वीजा है यूके का वो सबसे ज्यादा कौन पा रहे हैं अभी प्रेजेंट में, वो इंडिया के जो कैंडिडेट है वही पा रहे हैं। और 39% जो 100 में से अगर कोई कैंडिडेट वहां पर वर्किंग कर रहे हैं तो उसमें से 39 क्या होंगे, वो इंडियंस होंगे। ओके, तो इसी के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी गई है, 39% ऑफ सच वीजा वेंट ऑन इंडियन नेशन फॉर द ईयर एंडिंग सेप्टेंबर 2022 अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये एक ऑथोराइज डाटा है जो किसने जारी किया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस डाटा को शेयर किया है कि हाँ जो भी यहां पर वर्किंग वीजा पाने वाले कैंडिडेट है उसमें से 39% कैंडिडेट इंडियन है। ओके, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होंगे यहां पर, एक तो ये जो डाटा है कौन सा 39% वाला, ये इंपोर्टेंट हो सकता है। एक हमारे पास ये हो सकता है कि टोटल यूके वर्क वीजा इश्यूड कितने, 145258, यानी कि यहां पर देखिए तो 145258 वर्क वीजा इश्यूड टू इंडियन अभी तक जो। ओके, ये था और वर्क वीजा इश्यू टू इंडियन, और इनमें से जो इंडिया को रिलीज किए गए वो कितने हैं, वो है 56042, यानी कि 56042 जो कैंडिडेट है उनको यहां पर दिया गया, जबकि 2019 का जो आंकड़ा है, 2019 का आंकड़ा कितना है, वो है 29,552। तो बेसिकली हमारे पास ये सारे डाटा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2019 में कितना था जो इंडियंस को वर्किंग वीजा मिलता था, और अभी 2022 में कितना है जो इंडिया को मिल रहा है वर्किंग वीजा, और ऑल ओवर जो वर्किंग वीजा के लिए अप्लाई करते हैं यूके के अंदर वो कितने हैं, 145,258 कैंडिडेट। ओके, तो ऑल ओवर हमारे पास जो परसेंटेज की फॉर्म में कितना होगा, 29% यहां पर आ जाएगा। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो वो क्या है, यहां पर हमें गिवन है कि सीजेआई वॉन्ट सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट नॉट टू फाइंड फॉल्ट विद ईच अदर ऑन जज। तो बेसिकली एक सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक स्टेटमेंट है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू किया गया है। तो बेसिकली यहां से एक ही क्वेश्चन पुटअप हो सकता है आपका कि जो इंडिया के सीजीआई है वो कौन है, तो प्रेजेंट में कौन है, डी वाई चंद्रचूड़। जो डी वाई चंद्रचूड़ है वो क्या है, यहां के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अगेन हम देखें कुछ और न्यूज हमारे पास है, इसमें एक जो न्यूज है वो किससे रिलेटेड है, एक हमारे पास न्यूज है कि तालिबान ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन कुड बी क्राइम अगेंस्ट यूएन ह्यूमैनिटी यूएन। तो बेसिकली यूएन से रिलेटेड एक न्यूज है, और यूएन से रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट डे है, कौन सा, यूएन डे। कौन सा है, यूएन डे, और ये कब मनाया जाता है, ये आपका 24 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूएन से रिलेटेड आ सकता है अभी प्रेजेंट के एग्जाम में कि यूएन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, 24 नवंबर को यह सेलिब्रेट किया जाता है। एक और है यहां से, ग्रेटा थनबर्ग 600 यंगस्टर सी यू स्वीडन फॉर क्लाइमेट एक्शन। तो यहां पर जो ग्रेटा थनबर्ग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं आपके पास, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कि ये जो ग्रेटा थनबर्ग है ये कौन है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये एनवायरमेंटल एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करती हैं। तो बेसिकली इनको अभी क्या मिला था, एक जो नोबेल प्राइज है वो भी मिला है, किसके लिए, नर्चर के लिए। ओके, तो ग्रेटा थनबर्ग को जो नोबेल प्राइज है वो मिला था। और अगेन एक और है हमारे पास, वो क्या है, यहां से एक पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी किस फॉर्मेट में है, वो है पॉप स्टार की फॉर्म में। तो जो चाइनीज और कैनेडियन एक पॉप स्टार है जिनका नाम क्या है, क्रिश वू। तो बेसिकली हमसे क्वेश्चन पुट अप यही हो सकता है कि जो क्रिश वू है वो किससे रिलेटेड है, ये क्या है, एक पॉप स्टार है। अगेन हम यहां से बात करें कुछ और क्वेश्चन
न्यूज हमारे पास है। न्यूज के बारे में अगर हम देखें तो क्या है, ओके तो एक न्यूज हमारे पास किससे रिलेटेड है, इसराइल से रिलेटेड है। क्या है, फार राइट लीडर बेन गीवर टू बी इसराइल सिक्योरिटी मिनिस्टर, यानी कि एक अपॉइंटमेंट हुआ है, कहां पर हुआ है, इसराइल के अंदर, इसराइल के अंदर अपॉइंटमेंट हुआ है, किस फॉर्मेट में हुआ है, वो हुआ है सिक्योरिटी मिनिस्टर की फॉर्म में। तो बेसिकली दो क्वेश्चन यहां से पुटअप हो सकते हैं इसराइल से रिलेटेड, कि एक तो इसराइल के पीएम कौन है, तो पीएम कौन है, जो नेतन्याहू है वो क्या है, वहां के पीएम है। कौन है जो प्राइम मिनिस्टर, बेंजामिन नेतन्याहू, कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू, ये तो क्या पीएम है। और सिक्योरिटी मिनिस्टर किसको बनाया गया है अभी फिलहाल में, जो बेन गीवर है, जो बेन गीवर है इनको क्या बनाया गया है, यहाँ का सिक्योरिटी मिनिस्टर बनाया गया। तो दो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकते हैं, सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो क्या होगा कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी मिनिस्टर है वो किसे बनाया गया है, किसे बनाया गया है, बेन गीवर को। ओके अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट न्यूज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, वो क्या है, ओके एक न्यूज है हमारे पास, हाफ ऑफ कीवी इजराइल स्टिल विदाउट पावर आफ्टर स्ट्राइक्स। तो बेसिकली क्या है, ये सारी जो न्यूज है ये किसके बारे में, जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसके बारे में, जो यहां पर अभी क्या हुआ कि जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी है, यूके के फॉरेन सेक्रेटरी, अब फॉरेन सेक्रेटरी तो है बट इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होने वाला है कि इनका जो नेम होगा जेम्स क्लेवरली, यानी कि जो जेम्स क्लेवरली है जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी है, ये अभी विजिट पे गए हैं कहां पर, यूक्रेन में, यूक्रेन में मिनिस्टर यूक्रेन में गए थे और वहां पर ही क्या हुआ है, कीव के अंदर ये आपस में मिले हैं, तो वहां की जो एक लोकेशन है वहां पर पावर सप्लाई वगैरह सब कुछ कट हुआ पड़ा है अभी। ओके तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होने वाला है यहाँ पर कि जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी है वो कौन है, तो वो होंगे जेम्स क्लेवरली, और यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कौन है, वो है डेमेट्रो क्लेबा। ओके कौन है, डेमेट्रो क्लेबा। तो यहां से ये दो नेम्स है जो इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के थ्रू हो सकते हैं, एक तो होगा जेम्स क्लेवरली और एक होगा डेमेट्रो क्लेबा। तो जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी है वो कौन है, वो है जेम्स क्लेवरली, एंड जो यूक्रेन है, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर कौन है, वो है डेमेट्रो क्लेबा। एक और क्वेश्चन है हमारे, एक और न्यूज है हमारे पास, वो क्या है कि जर्मनी कॉल्स टू गिव मिसाइल टू यूक्रेन। तो बेसिकली यहां से जो जर्मनी है वो क्या कर रही है, हेल्प कर रही है किसके लिए, यूक्रेन के लिए। अब ये जो हेल्प है किसके थ्रू होगा, ये नाटो के थ्रू ही हो सकता है, किसके थ्रू हो सकता है, नाटो के थ्रू। तो बेसिकली अगर हम देखें तो नाटो क्या है, नाटो जो है वो क्या है बताइए जल्दी, नाटो की फुल फॉर्म बताइए मुझे, क्या होगी नाटो की फुल फॉर्म। तो बेसिकली यहां से देखें हम तो नाटो की फुल फॉर्म क्या होने वाली है, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके जो जब भी इसका फॉर्मेशन हुआ था तो स्टार्टिंग में जो इसमें पार्टिसिपेंट कंट्री थी वो कितनी थी, 12 थी, और अभी प्रेजेंट में कितनी है, प्रेजेंट में इसमें 30 कंट्री जो यहां पर पार्टिसिपेट करती है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है कौन सा, जो नॉर्थ कंट्रीज है, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी कंट्रीज है वहां का क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें 30 कंट्रीज अभी प्रेजेंट में पार्टिसिपेट कर रही है। ओके एक क्वेश्चन यहां पर पुटअप ये हो सकता है कि जो हेड है, किसके चीफ है नाटो के, जो नाटो के चीफ है वो कौन है। तो अभी जो जेंस स्टोलन है, जेंस स्टोलनबर्ग, कौन है, जेंस स्टोलनबर्ग, अगर हम यहां से देखें नेम तो कौन हो रहे हैं, जेंस स्टोलनबर्ग जो है वो क्या है, यहां के चीफ है नाटो के। ओके नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम आगे बात करें, आगे हमारे पास एक और न्यूज है, किससे रिलेटेड है, यूके से रिलेटेड है। ओके तो यूके वोटर वार्म अप टू सुनक बट नॉट हिज पार्टी। यहां पर एक छोटा सा स्टेटमेंट है, किससे रिलेटेड है, सुनक से। तो अगर क्वेश्चन पुटअप होता है एग्जाम के अंदर तो ये वही हो सकता है कि प्रेजेंट में जो यूके के पीएम इलेक्ट किए गए हैं तो कौन है, वो है ऋषि सुनक, और ये क्या है, ये यहां भारत के जो मतलब इंडिया से इनका रिलेशन रहा ही रहा है। अगेन हम देखें आगे कुछ हमारे पास, तो एक अगेन हमारे पास एक न्यूज है, सेबी से रिलेटेड न्यूज है, सेबी इंक्लूड्स बाइंग सेलिंग और एमएफ अंडर इनसाइडर ट्रेडिंग। तो जो सेबी है वो क्या करने जा रहा है, अपने जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ यहां पर न्यूज हमारे पास है। तो बेसिकली 3 क्वेश्चन यहां पर जनरेट हो सकते हैं, वो जनरेट होंगे किससे रिलेटेड, सेबी से ही रिलेटेड। एक तो हमारे पास हो सकता है कि सेबी की फुल फॉर्म क्या है, तो सेबी की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होगी बताइए जल्दी, क्या होगी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या हो सकती है, यहां से सेबी की फुल फॉर्म हो सकती है। एक क्वेश्चन हमारे पास ये हो सकता है कि इसका ये कब फॉर्मेट हुई थी, तो ये संस्था कब बनाई गई थी जल्दी बताइए, 10 मिनट का आपके पास टाइम है, ओनली 10 सेकंड का, कब जनरेट हुई थी ये। बेसिकली अगर हम देखें तो जनवरी 1992 में
इसका फॉर्मेशन हुआ था, और अभी जो हेड है वो कौन है, यहाँ पर एक लेडी है जिनका नाम है पीपीए बाउच नाम से, जो लेडी है वो यहाँ की क्या है, हेड है। अगेन हम नेक्स्ट जो न्यूज है उसको डिस्कस करेंगे। अगेन हमारे पास न्यू एक है, रेणुका सिंह क्वाइट द क्वीन ऑफ स्विंग। तो बेसिकली एक क्वेश्चन हमारे पास जनरेट हो सकता है यहाँ से कि जो रेणुका सिंह है वो किस गेम से रिलेटेड है। तो किस गेम से रिलेटेड होंगी, रेणुका सिंह बॉलर है इंडिया क्रिकेट टीम की। ओके, तो इंडिया की जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है वहां पर बॉलर की फॉर्म में कौन रोल प्ले कर रही है, रेणुका सिंह। और अभी इन्होंने अपने, अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है, कर्नाटका मुंबई एंड केरला इन हजारे प्री क्वार्टर फाइनल टुडे। तो बेसिकली यहां से एक क्वेश्चन जनरेट किस फॉर्मेट में हो सकता है कि जो हजारे है यानी कि एक विजय हजारे ट्रॉफी होती है ये किस गेम के अंदर होगी, तो किस गेम के अंदर होगी, ये क्रिकेट के अंदर होती है। अगेन एक क्वेश्चन हमारे पास किससे रिलेटेड है, यहां से अगर हम देखें एक है यहां पर हमारे पास कि निहाल सिरन, जो निहाल सिरन है ये किस गेम से रिलेटेड है, निहाल सिरन और के शशि किरण दोनों किस गेम से रिलेटेड है, तो किस गेम से रिलेटेड होंगे बताइए जल्दी। जो ये दोनों कैंडिडेट है किससे रिलेटेड है, ये यहां पर चेस से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ये दोनों चेस गेम से रिलेटेड है। कौन कौन, एक तो के शशि किरण और एक निहाल सिरन, कौन है, निहाल सिरन। Then, तो दोनों ही कैंडिडेट किससे रिलेटेड है, ये चेस से रिलेटेड है। अगेन एक क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्मेट में हो सकता है कि अंकिता एंटर द सिंगल क्वार्टर एंड डबल सेमी। तो जो अंकिता है, अंकिता रैना, अंकिता रैना किससे रिलेटेड है, अंकिता रैना है वो किससे रिलेटेड है, आईटीएफ, किससे रिलेटेड है बताइए जल्दी जल्दी बताइए किससे रिलेटेड है, ये दो जो है वो आईटीएफ से रिलेटेड है। ओके, देन अगेन हमारे पास कुछ क्वेश्चन कुछ न्यूज और है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई थिंक कंप्लीट हुआ। ओके, सो बेसिकली ये सारी न्यूज थी जो किससे रिलेटेड थी, मल्टीपल जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल सेक्टर हो, चाहे वो कल्चरल सेक्टर हो, या फिर स्पोर्ट्स सेक्टर हो और इकोनॉमिक सेक्टर हो, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से जो भी न्यूज हमारे पास अवेलेबल थी उसको हमने डिस्कस किया। और आज के जो सेशन था उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये था कि कई ऐसी न्यूज है जिससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आना जरूरी है। ओके, ये कंपल्स मतलब ये मोस्ट इंपोर्टेंट चांसेस हैं कि आज के सेशन से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पुट अप होगा ही होगा, चाहे वो लचित से रिलेटेड हो या फिर जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था कनाकुलम उसकी लोकेशन से रिलेटेड हो। सो होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।